नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल TPR टेक साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इलाहाबाद बैंक के यूजर थे और अब इंडियन बैंक में मर्ज होने के बाद इलाहाबाद बैंक के अब आप यूजर इंडियन बैंक के बन चुके हैं, और यदि आप इंडियन बैंक के ही यूजर थे तो ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि मैं अपना यूजर आईडी कैसे फॉरगेट करूँ, तो चलिए मैं इसी वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप यूजर आईडी कैसे फॉरगेट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास में बने हुए आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ट्रांजेक्शन पासवर्ड कैसे फॉलो करते हैं और लॉगिन पासवर्ड कैसे बनाते हैं न्यू तरीके से एग्जाम्पल विद मैंने बताया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए, आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। आपको इंडियन बैंक सर्च करना है तो मैंने सर्च कर लेता हूँ। फिर आपको ठीक है, फर्स्ट वाला ही इस पर टैप कर देना है, मैंने इस पर क्लिक किया है जैसे ही। फिर आपको लॉग इन नेट बैंकिंग पर क्लिक कर देना है, मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको मैं फिर एक आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करने के बाद इससे एक फ़ायदा रहता है कि ये पेज पूरा कंप्यूटर कितने यानी लैपटॉप कितने ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है फॉरगेट यूजर आईडी, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो मैं थोड़ा फिर जूम कर देता हूँ, देखिए आप यहाँ लिखकर आ रहा है। फर्स्ट बॉक्स में आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप करना है, दूसरे में आपको अपना सिप नंबर जो आपको पासबुक मिल जाएगा, और इधर वाला नीचे वाला आपको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। फिर आपको एक कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो आप ओटीपी डालकर सबमिट करने के बाद आपका जो यूजर आईडी है वो सफलतापूर्वक चेंज हो जाएगा। दोस्तों, मेरा एक ही अकाउंट था तो मैंने पहले ही वो चेंज कर लिया है, और फिर आपको बताता हूँ कि आगे आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, आपका जो सिप नंबर ही वो यूजर नेम होता है, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना टाइप करके ठीक है पास जो लॉग इन पासवर्ड टाइप करके आपको लॉग इन हो जाना है। तो इस तरीके से आप हर पूरी तरीके से यूजर आईडी फॉरगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आपको नई नई इसी तरीके से वीडियो मिलती रहे।